Assalamu alaikum viewers, welcome to Sehat 24/7 with your host Dr. Anush Masood. I hope you're all well and enjoying good health. आज हम बात करेंगे aesthetic beauty के ऊपर. वैसे तो it is said that beauty lies in the sight of the person who is seeing the other person. और इसके अलावा beauty आपके अंदर मौजूद होती है. लेकिन aesthetic beauty भी बहुत count करती है और अपने आप को beautify करना एक अच्छी बात है. इसी से related हम जिस procedure पे आज बात करेंगे that is related to laser. लेज़र प्रोसीजर के ऊपर बात करेंगे कि किस किस चीज़ के लिए लेज़र को इस्तेमाल किया जा सकता है, कौन सी ऐसी ऑप्शंस हैं जिनके लिए लेज़र का इस्तेमाल सही है और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनके लिए वैसे तो लेज़र यूज़ की जा रही है पर वो ठीक नहीं है. इसी टॉपिक पर बात करने के लिए आज हमने अपनी दावत दी है प्रोग्राम के अंदर डॉक्टर अली हसनैन काजमी को जो कि एक कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट हैं. वेलकम टू सेहत 24/7. हाउ आर यू? ऑल फाइन, ठीक है जी. डॉक्टर अली, आज हम बात करेंगे लेज़र के ऊपर, इसकी क्या मेजर यूज़ हैं जो कि सही हैं और बाद में हम इसके बारे में बात करेंगे जिसके लिए लेज़र यूज़ तो की जा रही है बट दैट इज़ नॉट करेक्ट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये बताइए कि लेज़र जो है किस मामले में अगर यूज़ किया जाए, किस कंडीशंस में यूज़ किया जाए तो वो सही इस्तेमाल है. आपने बड़े एक हॉट मौसम में बड़ा हॉट टॉपिक चूज़ किया है और अच्छा किया क्योंकि इट्स ए वेरी कॉमन थिंग नाउ इन द मार्केट. लोगों को इसके बारे में नुहा होनी चाहिए कि भाई लेज़र क्या चीज़ है, उसके क्या क्या फ़ायदे नुकसान और किस किन किन चीज़ों में की जाती है लेज़र. तो क्योंकि बहुत मिसकंसेप्शंस हैं लेज़र्स के बारे में, पहले तो थोड़ा सा बताना चाहूँगा. लेज़र एक मशीन के थ्रू एक इलाज किया जाता है. लेज़र्स का मतलब ये होता है एक स्पेसिफ़िक लाइट होती है, रेज ऑफ लाइट जिसको कहते हैं, और स्पेसिफ़िक मीडिया से स्पेसिफ़िक उसकी एनर्जी होती है, वेवलेंथ होती है और वो एक डिफरेंट कामों के लिए यूज़ की जाती है. मशीन्स में से वो लाइट निकलती है. टारगेटेड क्योंकि टारगेट ओरिएंटेड, जिसने आपने कहा कि अगर कोई पिगमेंट के लिए है तो वो पिगमेंट के ऊपर जाके हिट करेगी, अगर ब्लड वेसल्स के लिए है तो वो रेडनेस पे जाके इफेक्ट करेगी. सेट द वेवलेंथ्स होती हैं डिफरेंट चीज़ों के लिए, डिफरेंट वेवलेंथ्स हैं. कुछ कटिंग लेजर्स हैं, एबलेटिव, नॉन एबलेटिव, मुख्तलिफ किस्म की लेज़र हैं मुख्तलिफ चीज़ों के लिए. ठीक, डर्मेटोलॉजी में किस मकसद के लिए ज़्यादातर इस्तेमाल की जाती है? जी, डर्मेटोलॉजी में अगर हम लाएँ सबसे ज़्यादा, अगर आप कहती हैं कि मैक्सिमम जो सबसे हमारे पाकिस्तान में क्या कि पूरी दुनिया में जो सबसे ज़्यादा वो है, दैट इज़ वेरी कॉमन, आपको भी पता है, सबको पता है, दैट इज़ हेयर मूविंग, बालों के लिए अनवांटेड हेयर. जी, बहुत कॉमन है फीमेल्स में, लाइक लड़कियों के चेहरे पर बाल आ जाते हैं मर्दों की तरह के, चेहरे पे, अपर लिप पे, सारे चिन पे, देन बॉडी पे किसी ऐसे पार्ट पे जहाँ पर अनवांटेड हेयर्स आ जाते हैं, यानी कि किसी डिजीज़ की वजह से, यूजुअली होता है डिजीज़ हो जाए तो उससे भी आ जाते हैं. तो इससे हेयर रिमूविंग सबसे बेस्ट, इसके अंदर अगर कहें ना कि जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट इंडिकेशन है वो हेयर रिमूविंग के लिए है लेज़र जो किया जाता है. उसमें मुख्तलिफ अकसाम के लेज़र्स हैं मगर आप सबसे ही कर सकते हैं हेयर रिमूविंग. पॉइंट ये आता है कि करने वाला कौन है. अगर डॉक्टर है तो उसको इतना सेंस होना चाहिए कि मैं जो कर रहा हूँ लेज़र, इसके पैरामीटर्स मैंने क्या सेट करने हैं, क्योंकि ये नहीं है कि आप पकड़े हैं या कोई और पकड़े तो वो लेज़र का पकड़ के वो जाके इस्तेमाल कर सकते हैं. दैट इज़ आई हैव सीन इन मेनी क्लिनिक्स में, बिकॉज मेरा भी डर्मेटोलॉजी में जब आई वाज गेटिंग ट्रेनिंग तो उधर मेरा काफ़ी दफ़ा जाना हुआ. तो होता ये कि डॉक्टर्स जो है यूजली अपने असिस्टेंट को कभी कभी दे देते हैं कुछ, मतलब मैं आई वुड नॉट से कि हर डॉक्टर, बट फ्यू डॉक्टर्स वो क्या करते हैं कि अपने असिस्टेंट को दे दिया, पेशेंट आया कि यू नो तुम करो या उसको प्रैक्टिस कराने के लिए वट एवर. So I have seen many patients who get burns. और उनके बाद में ये पता, जब कहते यही हैं कि जी आपके लाइट हेयर थे या ये था या वो था, वट एवर, बट अगर आप एक अनस्किल्ड हाथ में पकड़ा देंगे इतनी सोफिस्टिकेटेड डिवाइस, तो इज़ दैट करेक्ट? आप तो डॉक्टर की बात कर रही हैं, मैं तो यहाँ से आगे दूर तक लेके जाना चाह रहा था. जाएंगे आप. बिल्कुल, मैं तो क्वैक्स पे लेके जाना चाह रहा था. फ्रॉम देयर आई वॉन्टेड टू टेक इट टू द ब्यूटी पार्लर्स. राइट, आप ये देखें डॉक्टर तो फिर भी चलो जानता है थोड़ा बहुत, चलें अगर स्किन का नहीं है कोई डॉक्टर तो वो फिर भी थोड़ा बहुत तो जानते हैं उस चीज़ को, मगर उसको ट्रेन की कर लिया जाए तो दैट्स वेल एंड गुड. मगर अगर आप क्वैक्स पे या ब्यूटी पार्लर्स पे चले जाएं तो वो तो कुछ भी नहीं जानते. एक वहाँ लड़की उन्होंने रखी हुई है कि जो रूटीन में काम करती है, उसने बीए किया हुआ है और आके वहाँ मेकअप वगैरह करती है, उसको कहा भाई ये लेज़र पकड़ लो और ये इसको सॉफ्ट पे, हार्ड पे, इस पर रख के कर लो, बस एक एक बटन लगाने और अपने लेज़र शुरू कर दें, दैट्स नॉट द वे. आपको स्किन टाइप देखनी है, आपको हेयर टाइप देखनी है, आपको उसकी और चीज़ें पूछनी है, 10 चीज़ें पूछनी है उससे, हिस्ट्री लेनी है, हॉर्मोन्स के अंदर आपकी क्या चेंजेस आ रही हैं, आपकी फैमिली की हिस्ट्री क्या है. इसी पे बात करते हैं कि क्या कॉजेज होती हैं एक्स्ट्रा हेयर ग्रोथ की जो कि नॉर्मल पैटर्न नहीं होता, उसके अलावा जो एक्स्ट्रा हेयर ग्रोथ है उसमें क्या कॉजेज है स्पेशली इन फीमेल्स? हाँ जी, फीमेल्स में नेचुरली कि ये बहुत कॉमन चीज़ अब देखने में आ रही है, रादर आपको कि एवरी सेकेंड फीमेल को ये प्रॉब्लम चल रही है कि वो आके. ठीक, कॉमन कॉजेज के अंदर सबसे पहले आता है हॉर्मोन्स का,
नेचुरली ये सबसे पहले हार्मोन्स के अंदर कोई उसके हार्मोन का फ़र्क आ रहा होता है। एंड्रोजेंस होते हैं, इनको कहते हैं मेल टाइप ऑफ हार्मोन्स, वो भी हर फीमेल के अंदर होते हैं, जिसमें टेस्टोस्टेरोनिक लेवल्स होते हैं, हर फीमेल में होते हैं एंड्रोजेंस। अगर उनमें एक तजाद आ जाए, अगर उसमें वो बढ़ने शुरू हो जाएँ वो वाले हार्मोन्स ड्यू टू सर्टन रीजंस जो बॉडी के अंदर हो रहे हैं, किसी भी किस्म की प्रॉब्लम्स, पॉलीसिस्टिक ओवरीज हैं या उनको कोई और एड्रिनल की अपना पिट्यूटरी ग्लैंड की कोई प्रॉब्लम्स हैं या कुछ इस तरह का, किसी वजह से इंटरनल प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई है वहाँ पर, तो उधर से उनके ये जो हार्मोन्स वो वाले हैं जो ग्रोथ हार्मोन, जहाँ पर से आपके ये हेयर प्रोड्यूसिंग है, एंड्रोजेंस जो कर रहे हैं, हेयर प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो अफेक्ट करेंगे जाके एंड्रोजन रिसेप्टर्स पे, और वहाँ पर से आपकी ओवर ग्रोथ आनी शुरू हो जाएगी। जिसके लिए लड़कियों को बहुत ज़रूरी है कि अगर वो आएँ तो सबसे पहले अल्ट्रासाउंड कराना चाहिए, ताकि देखेंगे पॉलीसिस्टिक ओवरीज तो नहीं आ रही हैं उसके अंदर, और प्लस अल्ट्रासाउंड में आपके एड्रिनल के ट्यूमर्स तो नहीं आ रहे, कुछ और चीज़ें तो नहीं हैं, और प्लस साथ में हार्मोन्स के टेस्ट होते हैं, एड्रिनल हार्मोन से भी है, और इसके अलावा एंड्रोजन से, दूसरे आपने बोला जी एंड्रोजन से, एल एच और एफ एस एच की आई थिंक रेशो भी वेरी, वो भी रेशो बिल्कुल एल एच एफ एस एच दोनों की रेशो आती है कि वो कितनी चल रही है, हमें इनके हम अलग टेस्ट कराते हैं, सीरम टेस्टोस्टेरोन कराएंगे, एफ एस एच एल एच अपना और प्रोलैक्टिन लेवल्स कराते हैं, डायहाइड्रोएपिएंडोस्टेरोन लेवल्स होते हैं, ये चंद चार पाँच टेस्ट हैं जो मस्ट कराने होते हैं। अगर ये सब क्लियर आ रहे हैं फिर हमें और डीप जाना पड़ता है। रोहिणी एक छोटी सी ब्रेक पे जाएंगे, वापस आके लेज़र पे बात करते हैं।